नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने जीके पार्ट टू में 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज हम लोग 26 से स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं 26। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने किया था। जीन किससे बनी होती है? तो DNA से बनी होती है। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो अक्षांश जो होता है वह विषुवत रेखा के समांतर होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो कौन सी है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन की दीवार जो होती है उसको विश्व की सबसे बड़ी दीवार के नाम से जाना जाता है। खजुराहो कहाँ स्थित है? तो यह MP अर्थात मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो क्रोमियम की मात्रा अगर हम बढ़ा दें तो स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो कानपुर जो है वह गंगा के शहर पर तट पर बसा हुआ है। चलिए आगे है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। श्वेत माने हो गया दुग्ध क्रांति, एक तरह से कह सकते हो। ठीक, प्रख्यात सिनेमा कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर के संबंध हैं, बाप बेटे का संबंध है। चलिए अगला है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। कैसा रहेगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। ये सब फिजिक्स से क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, तो कौन है उसका नाम? उसका नाम हुमायूं है। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है? वह असम है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो मलिगांव जो है वह उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे होता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीयगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीयगान लिखा? तो वह कौन सा देश था? भारत का लिखा गया और किसका? बांग्लादेश का लिखा गया था राष्ट्रीयगान। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो वह लेह है, जहाँ पर सबसे अधिक ठंड पड़ती है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो वह बुध ग्रह है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का कि राजस्थान में किस तरह के पेड़ों की में पत्तियां पाई जाती हैं? तो कौन सा है? छोटी तरह जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनमें पाई जाती हैं। तो ये थे आज सभी आप लोगों के लिए 50 यहाँ पे हो गए पूरे हम लोगों के GK क्वेश्चंस। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, जिससे सभी के पास यह वीडियो पहुंच पाए और सभी लोग इस वीडियो को देख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।